जब मैं गुजरात मॉडल की बात करता हूं तो इसमें हम यह भी बताना चाहते हैं कि आज गुजरात में वैल्यू एडिशन के साथ गुजरात एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। गुजरात विकसित रूप से आगे बढ़ रहा है और 15.9% का ईयरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। 42 पोर्ट्स बने हैं, 65 नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में गुजरात आगे बढ़ा है। उसी तरीके से वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रोसेस डायमंड्स का केंद्र बना है तो वो गुजरात बना है, इसको भी हमको याद रखना है। उसी तरीके से अगर एफडीआई में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है तो वह भी, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी अगर कंट्रीब्यूशन है तो गुजरात में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। अमूल ने भी कोऑपरेटिव्स में कोरोना के समय जो काम किया वह भी एक रिकॉर्ड ब्रेक काम था, वह भी हमको याद रखना चाहिए। कार्यक्रमों की दृष्टि से देखा जाए तो चाहे हरियाली क्रांति हो, व्हाइट रेवोल्यूशन हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, वाटर कंजर्वेशन हो, ये या ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मॉडल हो, गुजरात का मॉडल देश के लिए एक तरीके से हमको एक दिशा देता है, ये हमको याद रखना चाहिए। और इस मॉडल को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उसको कार्य रूप दिया है, उसको आज हम सारे देश में रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी हम आगे रखने का प्रयास कर रहे हैं।